हेलो अगेन एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, हम लोग ने प्रिकसाइड कर लिया था, ठीक है। आज से हम लोग अभी से तुम्हारा पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करने से पहले अगर तुम पीरियोडिक टेबल पढ़ना है तो सबसे पहला चीज़ जो तुमको पढ़ना होता है वो होता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स होता है तुम्हारा जो बोल सकते हो किसी भी मटेरियल का इनडिविजिबल पार्ट, मतलब उससे छोटा पार्ट नहीं हो सकता, ठीक है, जिसमें उसके सारे प्रॉपर्टी हों। अभी जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग एटम को और छोटा नहीं कर सकते, लेकिन एटम में ज़रूरी नहीं है कि पैरेंट प्रॉपर्टी हो, यह भी मैंने बताया था, लेकिन एलिमेंट में पैरेंट प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी होता है। अब लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं एलिमेंट में और कंपाउंड में, दो अलग अलग चीज़ें दोस्तों, ठीक है। तो तुम्हारा केमिस्ट्री में वर्ड बहुत मायने रखता है, नॉमनक्लेचर बहुत मायने लगता है, किस चीज़ को क्या बोलेंगे। एलिमेंट जो होता है वो प्योर होता है, प्योर, लेकिन कंपाउंड दो एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं तुमको बोलूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये एलिमेंट है, लेकिन वाटर एक कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। ऐसा समझ में आया होगा। अभी फिलहाल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी हमारे दुनिया में लगभग 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट जो खोजे जा चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, बट अभी फिलहाल हमारे पास 118 एलिमेंट है जो कि नोन है, जो कि जिसके बारे में हमको पता है, ठीक है। अब जब एलिमेंट को खोजा जा रहा था तो एक प्रॉब्लम सबके सामने आया कि जब इतने सारे एलिमेंट्स हैं तो उनको कैटेगराइज कैसे करें, उनको याद कैसे रखा जाए, उनका एक टेबल कैसे बनाया जाए। जैसे कि टेबल से क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, टेबल से चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में रहती हैं। अब जैसे मान लो कि तुम जाता है स्कूल, राइट, अभी तो नहीं जा रहा कोरोना काल में, बट जब स्कूल जाता था तब तुम स्कूल में ढुकता था तब तुम्हारा क्लास स्टार्ट होने से पहले एक होता है अटेंडेंस, ठीक है। अटेंडेंस का एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, उस रजिस्टर में क्या होता है, सबके नाम होते हैं और यहाँ पर डेट होता है, ठीक है। इसमें पूछा जाता, मतलब वो नाम लिया जाता है, तुम अगर आया रहता है तो यहाँ पे प्रेजेंट या फिर अब्सेंट लिखा जाता है। अब सोचो अगर वो वाला कुछ तरीका ही नहीं होता तो क्या ये पॉसिबल था पता करना किस दिन कौन सा लड़का आया है, किस दिन कौन सा लड़का नहीं आया है, ये पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए डेटा को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइज करेगा डेटा को तभी तुम डेटा को प्रिजर्व करके रख सकता है। आज तुम्हारा वो रजिस्टर है तो क्या होगा, उससे फ़ायदा क्या होगा कि आज से 5 साल बाद भी अगर तुमको पता करना हो कि इस दिन मैं स्कूल गया था कि नहीं, तुम जाके पता कर सकता है। लेकिन अगर वो रजिस्टर नहीं होता तो क्या ये पॉसिबल था? बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी था। अब एलिमेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या आ रहा था, एलिमेंट्स तो हम लोग खोज लिए ढेरों, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज कैसे करें, क्या 118 एलिमेंट सबको हमेशा याद रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो उसके लिए तैयार हुआ, ईजाद किया गया पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला काम क्या था, मतलब क्या सबसे ज्यादा नीड था पीरियोडिक टेबल का, मेकिंग द ऑर्डर आउट ऑफ केओस। केओस मतलब क्या होता है, केओस मतलब होता है भगदड़, चिल्लम चिल्ली, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, क्या करें, एलिमेंट सब मिला हुआ है, उसको हम लोगों को एक ऑर्डर में बनाना है, एक सही वे में ऑर्गेनाइज करना है। यही बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा पीरियोडिक टेबल का। तो काम क्या था, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस। सबसे पहले क्यों केओस था, क्योंकि टोटल वी हैव 118 एलिमेंट्स, एक दो एलिमेंट नहीं है, 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। साइंटिस्ट मेड सेवरल अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज टू ऑब्टेन ऑर्डरली अरेंजमेंट आउट ऑफ केओस। मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारे केमिस्ट हैं जिन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। तो क्या हम उन दोनों को एक साथ एक ही ग्रुप में रख सकते हैं क्या, एक ही मतलब क्या बोलते हैं खाने में रख सकते हैं क्या, ये सोच के ही इस जो ये तो थॉट है पीरियोडिक टेबल का थॉट शुरू हुआ, ठीक है। ओके अब जब भी पीरियोडिक टेबल का स्टार्ट हुआ तब सबसे पहला नाम आया डॉबर्नियर स्ट्रायड का। ये है मिस्टर डॉबर्नियर, ठीक है, ये शायद जर्मनी के थे, ये तुम्हारा जर्मनी के थे, ठीक है। इनका पूरा नाम है जोहान वुल्फगेन डॉबर्नियर। देखो तुम जब फिजिक्स पढ़ रहे हो तो मैं इससे पहले ही तुमको ये बात बोल चुका हूँ और एक बार फिर बोल रहा हूँ कि फिजिक्स बुक्स पढ़ने के लिए मत पढ़ो, अब थोड़ा डॉबर्नियर के बारे में पता करो। ये लोग ये भी अपने लाइफ में बहुत गुल खिलाए हैं, ठीक है, उनके बारे में, दोनों की हिस्ट्री बारे में पता करो तो अच्छा लगेगा, तब तुम थोड़ा सा इमर्सिव स्टडी कर पाएगा। सिर्फ मार्क्स लाने के लिए फिजिक्स पढ़ के फायदा नहीं है, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। जब मैं फिजिक्स बोल रहा हूँ तो ऑफकोर्स मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को बोल रहा हूँ, ठीक है।
तो ये जर्मनी के पैदाइश थे, जॉन वुल्फगैंग डॉबर्नियर उनका नाम था, और 1849 में इनका देहांत हो गया। ये एक पेशे से केमिस्ट थे, 1780 में जन्म था। अब इन्होंने क्या बोला, डॉबर्नियर ने ऐसा क्या बोला, सबसे पहले 1817 में इन्होंने लेके आया अपना थियोरी। इस थियोरी के अनुसार मैं थोड़ा सा अभी तुमको लेमेंस लैंग्वेज में समझा देता हूँ, इन्होंने तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया, ठीक है। कैसे एलिमेंट का ग्रुप बनाया, उन्होंने तीन ऐसे एलिमेंट का ग्रुप बनाया जिसमें से पहले एलिमेंट का मास नंबर और तीसरे एलिमेंट का मास नंबर का एवरेज निकालें तो दूसरे एलिमेंट का मास नंबर आता था। अगर हम लोग पहले एलिमेंट का मास नंबर और तीसरे एलिमेंट का मास नंबर निकालते थे तो दूसरे एलिमेंट का मास नंबर आता था। चूंकि ये तीन तीन का ग्रुप बनाए थे इसीलिए इनको ट्रायड नाम दिया गया, ट्राई मतलब होता है तीन, ठीक है। तो क्या है, ही आइडेंटिफाई सम ग्रुप्स हैविंग थ्री एलिमेंट्स ईच, सो ही कॉल्ड दिस ग्रुप्स आर ट्रायड्स, ठीक है। डॉबर्नियर शोड दैट व्हेन, यहाँ से उनका जो तुम्हारा बोल सकते हो कंसेप्ट स्टार्ट होता है, उनका प्रिंसिपल स्टार्ट होता है, द थ्री एलिमेंट्स इन अ ट्रायड व्हेन रिटन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, जब वो जो तीन एलिमेंट लिए थे कंसिडर किए थे उन तीनों एलिमेंट को हम लोग इंक्रीज्ड मास नंबर में लिखते हैं, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, जो बीच वाला का एटॉमिक मास होता है, वॉज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट, मतलब जो बीच वाले का जो एटॉमिक मास है वो बाकी जो दोनों बचे उन दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज होता है। अभी समझ में आया, एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि अगर हम लोग तीन एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएं तो जो बीच वाले का एटॉमिक मास होता है वो बाकी दोनों के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल होगा, रफली इक्वल होगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल पूछ सकता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले एग्जाम्पल आता है लिथियम सोडियम और पोटेशियम का। लिथियम जिसका एटॉमिक मास 7 है, याद रखो अभी भी एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास या मास नंबर, ठीक है। तो लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो है 7, सोडियम का एटॉमिक मास है 23 और पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना है 39। तो तुम देखो 39 और 7 को ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 39 और 7 को ऐड करेगा तो 9, 7, 16, 6, 1, 3, 4, 46। अगर तुम्हारा 39 और 7 को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करेगा, एवरेज कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करेगा और 2 से डिवाइड करेगा तभी तो एवरेज निकलेगा। और 7 प्लस 39 किया तो कितना आया, 46 को 2 से डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा, 23। तो ये क्या हुआ, ये बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हुआ। तो यही तुम्हारा डॉबर्नियर बोले थे कि अगर हम लोग मतलब तीन एलिमेंट का एक ट्रायड बनाए तो पहला और तीसरा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर का मास का एवरेज बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के मास के इक्वल होगा, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं, एटॉमिक मासेस ऑफ लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम आर रिस्पेक्टिवली 7, 23 एंड 39। दस द मीन ऑफ द एटॉमिक मास, मीन मतलब होता है एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल सम बाई नंबर। तो टोटल सम कितना है, 7 प्लस 39, 46 बाई दो, चूंकि दो हमारा एलिमेंट है तो दो से डिवाइड करेंगे। मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, पहला और तीसरे एलिमेंट का जो मीन होगा वो होगा दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास, इज द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट। ऐसा ही समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो डॉबर्नियर का प्रॉब्लम क्या था, ये तीन ही ऐसा ट्रायड बना पाए उस टाइम पे, हालांकि बहुत सारे एलिमेंट का खोज नहीं हुआ था लेकिन जितना का एलिमेंट का खोज हुआ था उसमें से सिर्फ तीन ही ट्रायड बना पाए। तो एक ट्रायड तो तुम्हारा है लिथियम सोडियम और पोटेशियम का, और दो ट्रायड क्या क्या है यहाँ पे देख दो। देखो, डॉबर्नियर कुड आइडेंटिफाई ओनली थ्री ट्रायड, सिर्फ तीन ही ट्रायड बना पाए फ्रॉम द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। क्या क्या, एक तो लिथियम सोडियम और पोटेशियम का, ये पहला एक ट्रायड था। दूसरा ट्रायड है कैल्शियम सेरेनियम और बेरियम का, और तीसरा ट्रायड है क्लोरीन और ब्रोमीन और तुम्हारा आयोडीन का। ये तीनों ट्रायड ही सक्सेसफुल हो पाए, उसके अलावा और बहुत सारे तब एलिमेंट थे बट वो डॉबर्नियर ट्रायड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब क्या था, जब इन तीनों को हम लोग एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा रहे थे तो दो जो तुम्हारा एक्सट्रीम दोनों था उनका एटॉमिक मास का एवरेज बीच वाले के एटॉमिक मास के इक्वल नहीं था। अच्छा, समझ में आएगा, ये पूछ सकता है। तो ये तीनों ट्रायड याद रख लेना, लिथियम सोडियम और पोटेशियम एक था, कैल्शियम सेरेनियम और बेरियम एक था, और क्लोरीन तुम्हारा ब्रोमीन और आयोडीन एक था। ये तीनों ट्रायड थे डॉबर्नियर के, ठीक है। अब जब डॉबर्नियर का यहाँ पे फेल हुआ क्योंकि वो तीन ही दे पाए, तब आए हमारे नए दूसरे साइंटिस्ट जिसको नाम है न्यूलैंड्स, एक अपना थ्योरी लेके आए, न्यूटन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये इसको जानने से पहले हम पहले न्यूलैंड के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, मिस्टर न्यूलैंड, ठीक है।
इनका पूरा नाम था मिस्टर जॉन न्यूलैंड, 1837 में पैदाइश है इनका, यूके से है ये, लंदन के हैं, ठीक है, प्रोफेशन से केमिस्ट थे और 1898 में ये मर गए। ये थोड़ा संगीत के शौकीन थे, ठीक है। ऑक्टेव क्या होता है, अगर जिसको थोड़ा सा भी संगीत के बारे में, म्यूजिक के बारे में पता है, तो हमारे जो इंडियन म्यूजिक में 7 सुर होते हैं, राइट, क्या क्या, सा रे गा मा पा धा नी। तो जैसे संगीत के पास हर 7 के बाद 8वां फिर सा से शुरू होता है, संगीत में क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा रे गा मा पा धा नी, तो हर 7 के बाद फिर सा आ जाता है, पहले सा आया, फिर रे आया, फिर गा आया, फिर मा, फिर पा, फिर धा, फिर नी और फिर सा, मतलब हर 7 के बाद 8वां जो सुर है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। वैसे ही एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो हर 7 के बाद 8वें में अपने आप को रिपीट करते हैं, ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसको पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। द एलिमेंट्स आर इफ अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, याद रखना, उसमें भी था इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, इसमें भी है इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, देन 8th एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन वन हैज सेम प्रॉपर्टीज विच आर ऑफ दोज ऑफ द फर्स्ट, लाइक द 8th नोट ऑफ म्यूजिकल स्केल। जैसे कि पहले क्या होता था, सा, फिर क्या होता है, रे, फिर गा, फिर मा, फिर पा, फिर धा, फिर नी, फिर सा, ठीक है, यही होता है। तो देखो ये जो 8वां है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो 8वां है ये फिर पहले वाले को रिपीट किया। वैसे ही जो प्रॉपर्टीज थे, द 8th एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन वन, किसी एक से स्टार्ट करके हम लोग जो 8th एलिमेंट लेके आए, हैज द सेम प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी विच आर ऑफ दोज ऑफ द फर्स्ट, जो पहले का प्रॉपर्टी था वही 8वां वाला का प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। देखो उस टाइम पे जब न्यूलैंड्स लॉ ऑक्टेव आया तब हमारे पास सिर्फ 56 एलिमेंट्स था, अभी तो 118 एलिमेंट है तब, लेकिन हम लोग का 56 एलिमेंट ही हुआ करता था, ठीक है। अब जो वो बनाए, वो जो टेबल बनाए, उसमें नए एलिमेंट को ऐड करने का जगह ही नहीं था, वो बस 56 ही एलिमेंट का अपना टेबल बनाए पहला। दूसरा ये देखा गया कि कैल्शियम के बाद, जब हम लोग कैल्शियम तक चले गए तो कैल्शियम तक न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव तुम्हारा अच्छे से फॉलो होता है, लेकिन कैल्शियम के बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव फॉलो नहीं होता है, ठीक है। इट वॉज अज्यूम्ड बाई न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट, तब वो जो टेबल बनाए थे वो 56 एलिमेंट्स के लिए बनाया था, और उन्होंने अज्यूम कर लिया था कि आगे कभी हम लोग कोई एलिमेंट नया खोज नहीं पाएंगे, लेकिन उनका ये बात गलत हो गया, आज हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव गलत हो गया, ठीक है। अच्छा ये है उनका स्टार्ट, इनके इसके बाद ये 56 टू टोटल था, तो 56 तक हम लोग का काम है नहीं। तो यहाँ पे देखो कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तुम्हारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद फिर फ्लोरीन। देखो हाइड्रोजन जो है उस, वो भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्लोरीन भी सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन 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 तुम्हारा जब कैल्शियम क्रॉस कर देगा, मतलब कोबाल्ट और निकेल को तुम देखो, तो कोबाल्ट और निकेल दोनों मेटल है। एक सेकंड मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक सेकंड। देखो जो तुम्हारा कोबाल्ट और निकेल है ये तुम्हारा मेटल है, वहीं पे हाइड्रोजन और फ्लो, हाइड्रोजन तो गैस है, फ्लोरीन तो नॉन मेटल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैल्शियम तक ये बात फॉलो होता है, हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ तक तुम आपका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव तो फॉलो होता है अच्छे से, लेकिन जहाँ कैल्शियम क्रॉस करता है फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव फॉलो नहीं होता, क्योंकि देखो हाइड्रोजन पहला था, लिथियम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, फिर आठवा, नौवा, दसवा, ग्यारहवा, मतलब क्या कि हर पहला और आठवा का प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का प्रॉपर्टी सेम होता है क्या? हाँ प्रॉपर्टी सेम होता है, दोनों हैलोजन ग्रुप में आता है। फ्लोरीन और क्लोरीन का प्रॉपर्टी सेम होता है क्या? हाँ होता है, दोनों सेम ग्रुप में आते हैं। सेम ग्रुप का मतलब क्या? देखो हाइड्रोजन के एक्सट्रीम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। और तुम्हारा फ्लोरीन के एक्सट्रीम सेल में कितना, सॉरी माफ करना, हाइड्रोजन के एक्सट्रीम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। फ्लोरीन के एक्सट्रीम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और तुम्हारा क्लोरीन के एक्सट्रीम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वैलेंसी इसका भी 1 है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसका वैलेंसी इसका भी 1 है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो वैलेंसी इसका भी 1 है। तो इन तीनों का वैलेंसी 1 है, मतलब तीनों का प्रॉपर्टी लगभग सेम है। लेकिन जब बात कोबाल्ट और निकेल का आ गया, तो देखो ये तो मेटल है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल नहीं है। कोबाल्ट भी और निकेल भी, जो कोबाल्ट होता है उससे कॉइन बनता है, जो कॉइन तुम्हारे हाथ में होगा वो कॉइन कोबाल्ट का बनता है, लेकिन तुम्हारा हाइड्रोजन और फ्लोरीन सब तो नॉन मेटल्स हैं, तो प्रॉपर्टी तो सेम नहीं हुआ। मतलब ये जो प्रॉपर्टी था बस क्लोरीन तक, तुम्हारा कैल्शियम तक ही फॉलो करता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है, उसके बाद ये फॉलो नहीं करता, ठीक है।
जब न्यूलैंड का भी फेल हो गया, तब हमारे आए तीसरे साइंटिस्ट, लोथर मेयर्स क्लासिफिकेशन। ये है मिस्टर लोथर मेयर, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। इनका पूरा नाम है जूलियस लोथर मेयर, 1830 में पैदाइश है, जर्मनी के हैं, केमिस्ट हैं, और 1985 में इनका देहांत हुआ, मिस्टर लोथर मेयर। इनका जो क्लासिफिकेशन था वो सबसे परफेक्ट था, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी था, ठीक है। चूंकि कॉम्प्लेक्स था इसीलिए इसको हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, लेकिन ये बहुत ही सही तरीके से बनाए थे, ठीक है। क्या है इनका लोथर मेयर क्लासिफिकेशन, इन्होंने एक ग्राफ बनाया एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट का। देखो, लोथर मेयर प्लॉटेड अ ग्राफ ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट को कंसिडर करके एक ग्राफ बनाया गया। याद रखना, चाहे वो लोथर मेयर हो, चाहे वो न्यूलैंड हो, चाहे वो डॉबर्नियर हो, तीनों ने ही एटॉमिक वेट को या फिर एटॉमिक मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना है अभी तक, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, हम लोग के नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बात पूछूंगा, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीनों ने एटॉमिक वेट को फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना था। तो लोथर मेयर प्लॉटेड ग्राफ, एक ग्राफ प्लॉट किया एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट का। उसके बाद क्या किए, हाउएवर इट वॉज द बेस्ट बट प्रैक्टिकली टफ टू रिमेंबर। अब ये बात बोलो कि ग्राफ प्लॉट करके क्या किया, अभी हम लोग ग्राफ देखेंगे नेक्स्ट लाइन में, तब तुमको समझ में आएगा ग्राफ प्लॉट करके क्या किया, ठीक है। तो ये जो तरीके, तो ये बेस्ट था बट ये प्रैक्टिकली बहुत टफ था याद रखने के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ सेम एलिमेंट प्रॉपर्टी वुड बी एट द सेम प्लेस ऑफ द कर्व। एक ग्राफ बनाए जिसमें बोले कि जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे एक मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, वो जो ग्राफ का जो पीक है, जो पीक होगा वो सारे अल्केली होंगे, जो पीक में जितने भी एलिमेंट होंगे सारे अल्केली होंगे। जो असेंडिंग कर्व, मतलब जो कर्व उठ रहा है, वहाँ पे सारे हैलोजन्स होंगे। सारा का मतलब मैं तुमको बताऊंगा, हैलोजन क्या होता है, अल्केली क्या होता है, अगले क्लासेस में, ठीक है। अभी बस इस चीज़ को याद रहो, क्योंकि जब भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब तुमको सबका मतलब समझ में आएगा। तो अभी मैं बोलूँगा भाई, इसको दिमाग में बैठा लो। उसका जो डिसेंडिंग कर्व है, मतलब जो कर्व गिर रहा है, उसमें थे अल्केली अर्थ मेटल। और फिर जो तुम्हारा बॉटम है, जो तुम्हारा पीक होगा, एक पीक है तो एक पीक होगा तो एक बॉटम भी होगा, तो बॉटम में जो थे वो थे मेटलॉइड या ट्रांजिशन मेटल्स, इसको बोलते हैं हम लोग बॉटम में, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं इसका ग्राफ। देखो, ये ग्राफ उन्होंने बनाया था, ये है एटॉमिक वॉल्यूम और यह है एटॉमिक मास। अब देखो, मैं जो क्या बोला था, पीक में, पीक में क्या है, जैसे हीलियम पीक में है, नाइट्रोजन पीक में है, सोडियम पीक में है, ठीक है, यहाँ आपका पता नहीं है, आप जो भी नाम होगा पीक में होगा, रूबिडियम पीक में है। तो ये जब जो पीक में है, ये सारे अल्केली मेटल्स हैं, अल्केली मेटल नहीं, अल्केलीज हैं, ठीक है। वही जो असेंडिंग कर्व, मतलब जो कर्व उठ रहा है, जैसे कि ये यहाँ पे तो कुछ है नहीं, जैसे कि देखो, जैसे कि ये वाला देखो, ये कर्व यहाँ पे उठ रहा है, तो ये सिलिकॉन हो गया, तुम्हारा क्या बोलते हैं फॉस्फोरस हो गया, तुम्हारा सेंट्रियम हो गया, या फिर क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, ये सब देखो, ये सब असेंडिंग कर्म है, ये उठते हुए कर्म है, तो ये सारे हैलोजन्स हैं, ठीक है। फिर जो डिसेंडिंग कर्व, मतलब जो कर्व गिर रहा है, जैसे यहाँ पे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, यहाँ पे देखा तो कैल्शियम हो गया, स्क्रॉन्टियम हो गया, ये सब जो है ये तुम्हारा डिसेंडिंग कर्व है। तो जो डिसेंडिंग कर्व में है वो सारे अल्केली अर्थ में एलिमेंट्स हैं, डिसेंडिंग कर्व में अल्केली अर्थ में एलिमेंट्स है। और जो बॉटम पे है, ये सब जैसे कोवाल्ट हो गया, निकल हो गया, जिंक हो गया, गैलिनियम हो गया, ये सारे मेटलॉइड्स हैं, ऐसे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है। ऐसा ही समझ में आ गया होगा लोथर मेयर क्लासिफिकेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन तुमको वही पूछेगा कि क्या है लोथर मेयर का क्लासिफिकेशन, तो ये ग्राफ बनाना तो मुश्किल होगा। इस ग्राफ का एक सिंपल वर्जन ऐसे ही होता है, ऐसे 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 दिखा देना, बस ये दिखा देना कि तुम्हारा जो पीक है यहाँ पे अल्केली है, जो बॉटम है यहाँ पे तुम्हारा मेटलॉइड्स है, जो असेंडिंग कर्व है यहाँ पे हैलोजन्स हैं, और जो डिसेंडिंग कर्व है वो तुम्हारा अल्केली अर्थ मेटल है, ठीक है। ये जो तुम्हारा टेबल है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रैपअप करते हैं हम लोग इसको, क्या इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग पढ़े प्रिक्टिसाइट, मतलब पिछले वीडियो में पढ़े थे, उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, नीड ऑफ पीरियड टेबल, क्यों ज़रूरी है पीरियड टेबल, इस बारे में पढ़े। उसके बाद हम डॉबर्नियर ट्रायड्स के बारे में पढ़े। उसके बाद डॉबर्नियर ट्रायड क्या था, उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था, जिसमें उन्होंने क्या बोला कि पहले और तीसरे वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर का मास का जो एटॉमिक नंबर का जो एवरेज होगा वो दूसरे वाले एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। न्यूनेट्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या बोले थे कि हर सातवें के बाद जो आठवां एलिमेंट आएगा उसका प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट के प्रॉपर्टी से सिमिलर होगा। उसके बाद लोथर मेयर ने क्या दिया, लोथर मेयर ने एक एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास का एक ग्राफ दिया,
जिसमें से पीक में था हैलोजन, असेंडिंग कर्व में था, सॉरी हाँ असेंडिंग पीक में था एल्केली, असेंडिंग कर्व में था हैलोजन, डिसेंडिंग कर्व में था एल्केलिन अर्थ, और बॉटम में क्या था, बॉटम में था मेटलॉइड्स। ठीक है, तो ये पांच चीज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट किए। ठीक है, अब तुमको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, उस क्वेश्चन के आंसर बनाने की कोशिश करो। पहला क्वेश्चन है, डिड डॉबर्नियर ट्रायड्स ऑल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव। देखो जो तुम्हारा न्यूलैंड्स का ऑक्टेव में जो दिया था, तुम्हारा जो टेबल दिया था, उसको तुम उसका तुमको एक इलेबोरेटेड टेबल ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है, जाके देखो न्यूलैंड्स ऑक्टेव, उसमें देखो क्या, जैसे कि डॉबर्नियर का ट्रायड दिया था, ट्रायड क्या था, तुम्हारा सोडियम था, तुम्हारा लिथियम सोडियम और एक था भूल गया मैं, पोटेशियम जैसा था, लिथियम सोडियम पोटेशियम था। तो ऐसे कोई और ट्रायड बन रहे हैं क्या, उस चीज़ को चेक करो और बताओ। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ डॉबर्नियर क्लासिफिकेशन, क्या प्रॉब्लम था इसके बारे में बताओ कि उसका लिमिटेशन क्या था, क्यों उसको हम लोग आगे अडॉप्ट नहीं किया। और तीसरा क्वेश्चन था, व्हाट वेर द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या लिमिटेशन था, क्या प्रॉब्लम था कि हम लोग उसको आगे अडेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे तुम्हारा क्या बोलते हैं मेंडलिव्स पीरियड टेबल का, और उसके बाद तुम्हारा बात करेंगे हम लोग जो अभी चल रहा है मॉडर्न पीरियड टेबल का। ठीक है, तब तक के लिए चलो बाय।